टू ओपन टू क्लोज एंड एक्स्ट्रा क्लोज तो मेरी valid क्या हो हो। जाएगी? If I remove this close, या आप इसे भी भी हटा हटा सकते मतलब कोई भी एक close हटा दो। तो ओ क्लोजिंग डी ई ठीक है इस बार मैंने इस वाले क्लोजिंग को हटाया अदरवाइज ये तो एक ऑप्शन है दूसरा आप क्या कर सकते थे आप इस वाले क्लोजिंग को हटा सकते थे ठीक है तो एल डबल ओपनिंग टी ओपनिंग सी क्लोजिंग ओ डी एंड क्लोजिंग ठीक है इस बार मैंने इसे keep किया और इसे रिमूव कर दिया तो ये दो ऑप्शन है तो आप कोई भी रिटर्न करो एज लॉन्ग एज ये वैलिड है उनको कोई दिक्कत नहीं है तो जो पैरेंथेसिस है वो वैलिड आपको बनाने प्लस स्ट्रिंग को भी अपेंड करना है ठीक है सो दिस इज लिटिल डिफरेंट जैसा कि हम करते हैं तो चलो क्वेश्चन समझ में आ गया करेंगे कैसे वो देखते हैं तो इसमें भी आइडिया बहुत सिंपल है सबसे पहले इन वैलिड पैरेंथिस क्या होते हैं ठीक है थीके? जब आपके पास एक्स्ट्रा क्लोजिंग हो ठीक है एक्स्ट्रा क्लोजिंग हो या फिर आपके पास क्या हो एक्स्ट्रा ओपनिंग ब्रैकेट हो या फिर कुछ ऐसा पैटर्न हो मतलब क्लोज आपका ओपन से पहले आ रहा हो तो ये तीन कंडीशन होती हैं जहां पे हम कहते हैं कि इन वैलिड पेयर ऑफ पैरेंथिस हैं मतलब इस केस में तो पेयर ही नहीं बना इस केस में अगर पेयर है तो क्लोज शुड नॉट अपियर बिफोर ओपन ठीक है

तो यहाँ पे क्या हम स्टैक यूज़ कर सकते हैं और यूज अगर कर रहे हैं तो उसकी नीड क्या है देखो आपको सिंपल आइडेंटिफाई करना है कि इनवैलिड ब्रैकेट्स कौन कौन से फॉर एग्जाम्पल ये एक मेरा इनवैलिड ब्रैकेट है ठीक है इनवैलिड ब्रैकेट है हाउ टू आइडेंटिफाई दिस बड़ा सिंपल है मैं क्या करूंगा मैं एक स्टैक यूज करूंगा मैं स्टैक में इसे इंसर्ट करूंगा ठीक है जैसे ही मैंने स्टैक में इसे इंसर्ट किया मुझे पता है जैसे ये रहा एक ओपनिंग आ गया अब अगला एक और ओपनिंग आ गया मैं ओपन को इंसर्ट करते जाऊंगा जैसे ही एक क्लोज आए और स्टैक एम नहीं है तो आप टॉप वाले को रिमूव कर दोगे एक और क्लोजिंग आए स्टैक एम नहीं है तो आप टॉप वाले को रिमूव कर दोगे अब एक और क्लोजिंग आया तो जैसे ही एक क्लोजिंग आया तो ये एक इनवैलिड पेयर है समझ में आया तो मैं अपने स्टैक में क्या करना चाह रहा हूँ मैं अपने स्टैक में एकोमोडेट करना चाह रहा हूँ जितने भी इनवैलिड पेयर्स हैं अगर मैंने अपने स्टैक में सारे इनवैलिड पेयर्स को इंसर्ट कर दिया तो मैं नेक्स्ट आइट्रेशन बस चेक कर लूंगा अब चेक कैसे करोगे वी विल इंसर्ट दी इंडेक्स यानी कि सपोज दिस इज इंडेक्स नंबर थर्टीन आई एम जस्ट अज्यूमिंग पता नहीं कितनी है ये बट लेट्स से अगर ये इंडेक्स नंबर थर्टीन है तो जो भी इनवैलिड पेयर्स है मैं उसकी इंडेक्स इंसर्ट करना चाहता हूँ स्टैक में दैट्स इट तो जब भी मैं सिंगल आइट्रेशन करूँगा और इस इंडेक्स को मैच करूंगा स्टैक से तो आई विल जस्ट रिमूव दिस चैलेंज हिस्स की करा कैसे जाए क्योंकि स्टैक में तो उल्टा होता है फॉर एग्जाम्पल अगर दो है मेरे पास तो पहले थर्टीन इंडेक्स होगा, फिर होगा. While iterating, मुझे पहले मिलेगा, तो मैं यहाँ क्या करूंगा सबसे पहले एल मिला इग्नोर ई e मिला इग्नोर ई e मिला इग्नोर नेक्स्ट मुझे एक ब्रैकेट मिला अब ब्रैकेट मिलेगा तो आपको इंसर्ट करें देखो इफ यू गेट इन ओपनिंग ब्रैकेट यू हैव टू इंसर्ट ठीक है इंसर्ट अब इफ यू गेट अ क्लोजिंग ब्रैकेट और टॉप पे आपका एक ओपन है तो पॉप करना है आपको ओपन वाले को ठीक है और इसे इंसर्ट नहीं करना है अगर आपको क्लोजिंग मिल रहा है और टॉप में एक क्लोजिंग है तब आपको इंसर्ट करना है अगर आपको एक क्लोजिंग मिल रहा है और टॉप में कुछ नहीं है एम टी एस तब भी आपको क्या करना है इंसर्ट करना है तो ये बेसिकली वो सारे तीनों केसेस हैंडल करेंगे इनवैलिड वाले मतलब आपके पास एक्स्ट्रा ओपन है आपके पास एक्स्ट्रा क्लोज है और क्लोज आपका ओपन से पहले आ रहा है तो ये तीनों इनवैलिड केस है और वैलि केस में वी विल पॉप ठीक है समझ में आया, so, यही मैंने आपको भी बताया था। ठीक है। अब पे एक opening आया, तो ठीक है? मैंने index इंसर्ट कर दिया। मिलेगा एक और ओपनिंग आया जैसे ओपनिंग आए इंसर्ट कर देना ये थ्री फाइव क्या है नेक्स्ट चलते हैं सी इग्नोर नेक्स्ट चलते हैं एक क्लोजिंग ब्रैकेट मिला अब आपके टॉप पे क्या फाइव फाइव वाली इंडेक्स पे एक ओपनिंग ब्रैकेट है तो, जब आपको क्लोज मिले और ऊपर स्टैक में ओपनिंग रखा हो तो जस्ट रिमूव इट पॉप हो जाएगा और ये इंसर्ट नहीं होगा नेक्स्ट चलते हैं ओ इग्नोर एक और क्लोजिंग मिला स्टैक के टॉप पे थ्री है थ्री भी आपका एक ओपनिंग ब्रैकेट है ठीक है तो वी विल पॉप दिस थ्री को भी पॉप किया कुछ इंसर्ट नहीं होगा नेक्स्ट इज डी इग्नोर ई इग्नोर एक क्लोजिंग ब्रैकेट आया जैसे ही एक क्लोजिंग ब्रैकेट आए इंसर्ट कर दो ठीक है अब आगे चलेंगे क्या कोई और एलिमेंट है नहीं तो हमारे स्टैक में इस समय जितने भी इन वैलिड पेयर थे जितने भी इन वैलिड ब्रैकेट थे सब मैंने स्टोर करके रखा हुआ है क्योंकि वैलिड वालों को तो मैं पॉप करते जा रहा हूँ ठीक है अब अपना आंसर क्रिएट करते हैं इससे ठीक है आंसर आंसर वाली स्ट्रिंग इनिशियली स्ट्रिंग एम होगी नाउ वी विल स्टार्ट फ्रॉम दी एंड क्योंकि स्टैक में आप देखो इंसर्शन कैसा था थ्री फाइव इलेवन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इंडेक्स तो आपको टॉप पे सबसे बड़ी इंडेक्स मिलेगी दैट्स वाई वी हैव टू स्टार्ट फ्रॉम दी एंड तो सबसे पहला कैरेक्टर मिला क्लोजिंग ब्रैकेट इंडेक्स नंबर 11। क्या 11 11 से मैच कर रहा है हाँ मैच कर रहा है तो इसे इग्नोर करेंगे स्टैक से हटा देंगे नेक्स्ट एलिमेंट इज ई अब टेंथ इंडेक्स क्या स्टैक के टॉप से मैच करी है? नहीं स्टैक तो आपका एम हो गया है तो एम है तो मैच ही करने की जरूरत नहीं है तो आई विल इंसर्ट ई ठीक है मैंने ई e को इंसर्ट कर दिया देन अगला मुझे क्या मिला डी

वैलिड है ठीक चलो नाउ लेट्स सी दिस एग्जांपल फिर से स्टार्ट करते हैं एक क्लोजिंग ब्रैकेट मिला स्टैक क्या है एम है तो एम के केस में क्लोज uh, वाले को भी हम इंसर्ट कर देंगे ठीक है नेक्स्ट चलते हैं टी मिला इग्नोर एच इग्नोर देन ओपनिंग ब्रैकेट मिला ओपनिंग ब्रैकेट मिला तो इंसर्शन ब्लाइंड इंसर्शन है देन इग्नोर एक और ओपनिंग मिला तो ब्लाइंड इंसर्शन है इंडेक्स नंबर फाइव देन एक लेटर मिला इग्नोर एक क्लोजिंग मिला सेवेंथ इंडेक्स पे स्टैक के टॉप पे आपका क्या है इंडेक्स पे ओपन वाला है ठीक है तो वी कैन से इसे पॉप करा सकते हैं तो फाइव को किया पॉप और सेवन को इंसर्ट भी नहीं करेंगे नेक्स्ट ए इग्नोर अब एक और क्लोजिंग आया जैसे आपका क्लोजिंग आया नाइन्थ पे स्टैक के टॉप पे थ्री है व्हाट इज थ्री थ्री एक ओपनिंग है तो इस ओपनिंग से ये क्लोज सेटिस्फाई हो जाएगा तो हम इसे भी पॉप करा देंगे आगे चलते हैं एफ लेटर है इग्नोर एक क्लोजिंग ब्रैकेट आया इलेवेंथ इंडेक्स पे स्टैक के टॉप पे जीरोथ इंडेक्स पे क्या है एक और क्लोजिंग है तो वी नीड टू इंसर्ट अगेन तो हमने इलेवन इंसर्ट कर दिया देन आगे चल इग्नोर आर इग्नोर एक ओपनिंग आया फोर्टीन इंडेक्स पे स्टैक के टॉप पे क्लोजिंग था तो वी विल जस्ट इंसर्ट दिस ओपनिंग वाला ठीक है देन नेक्स्ट ए ए लेटर है इग्नोर एक क्लोजिंग आया 16 पे स्टैक के टॉप पे 14 है 14 पे एक ओपनिंग है तो पॉप करा देते हैं 14 को हमने पॉप करा दिया एंड आगे चलते हैं आर आया इग्नोर ई e आया इग्नोर ए आया इग्नोर एस आया इग्नोर नेक्स्ट एक ओपनिंग ब्रैकेट आया ओपनिंग ब्रैकेट के इसमें ब्लाइंड इंसर्शन तो वी विल इंसर्ट इट ट्वेंटी लेटर इग्नोर क्लोज आया

नेक्स्ट इज ट्वेंटी फोर ट्वेंटी फोर स्टैक में नहीं है तो इंसर्ट कर दो तो यहाँ पे आपका आ गया एन देन 23 23 भी स्टैक में नहीं है तो वी कैन इंक्लूड दिस नेक्स्ट इज 22 22 भी नहीं है तो इंसर्ट कर दो ठीक है मैंने यहाँ पे मार्क किया जो जो है तो वी कैन डायरेक्टली डू एयर देन ये ट्वेंटी आ जाएगा ए भी आ जाएगा ई भी आ जाएगा आर e भी आ जाएगा देन क्लोजिंग आ, आ गया ए आ गया ओपनिंग आ गया आर आ गया ओ आ गया अब इंडेक्स नंबर इलेवन इंडेक्स नंबर इलेवन आपके टॉप पे तो जस्ट पॉप इट आउट और इसे इग्नोर कर देंगे ठीक है नेक्स्ट आ जाएगा आपका एफ फिर आ जाएगा क्लोजिंग फिर आ जाएगा ए फिर एक और क्लोजिंग फिर एल फिर एक ओपनिंग फिर ए फिर एक और ओपनिंग फिर एच फिर टी फिर आया इंडेक्स जीरो इंडेक्स आपके स्टैक में है तो इग्नोर दिस देन आपके आ, मतलब स्ट्रिंग ही खत्म हो गई राइट एंड ऑब्वियसली ये स्मॉल टी है बट मैंने समझाने के लिए लिख दिया क्योंकि वी कैन नॉट स्टार्ट थाला फॉर अ अ रीजन विद स्मॉल टी राइट तो या दिस इज द दर एलगोरिज्म इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी बिग ओ ऑफ ट्वाइस ऑफ एन ये इसकी ओवरऑल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी प्लस एक्स्ट्रा बिग ऑफ एन क्योंकि मैं ऑब्वियसली जो इंसर्शन करूंगा ये स्ट्रिंग बिल्डर में करूंगा तो स्ट्रिंग बिल्डर को वापस स्ट्रिंग में कन्वर्ट करने के लिए ओ ऑफ एन टाइम एक्स्ट्रा लगेगा एंड वाई ट्वाइस ऑफ एन बाई सिंगल आइट्रेशन करके आप पहले इन वाले निकाल रहे ठीक है देन वापस आके आप इस स्ट्रिंग को पूरी बिल्ड कर रहे हो so तो दैट इज वाई ट्वाइस ऑफ एन ठीक है तो वी कैन से दिस इज ओ ऑफ थ्राइस ऑफ एन टाइम कॉम्पलेक्सिटी और कोई एक्स्ट्रा स्पेस है हाँ वर्स्ट केस ओ ऑफ एन एक्स्ट्रा स्पेस इसकी स्पेस स्टैक की स्पेस ठीक है तो so, चलो इसे कोड करके देखते हैं सो वील क्रिएट ऑफ इंटीजर इंटीजर देन इसे नाम देते हैं फॉर एंड आई इज इक्वल टू जीरो आई इज लेस लेंथ एंड आई प्लस प्लस ओके नाउ यू कैन सेक्ल टू s डॉट कैर एट आई एथ इंडेक्स अब यहाँ पे सिंपल अपनी कंडीशन लिखते हैं ओपनिंग ब्रैकेट के ठीक है तब आपको क्या करना है इंसर्ट करना है स्टैग में To स्टैग डॉट पुश आई एथ इंडेक्स ठीक है Else if अगर आपका सी एच इक्वल्स इक्वल्स है अब इधर कंडीशन क्या क्या बनेगी अगर आपके स्टैक के टॉप पे ओपन है तो ये पॉप हो जाएगा क्लोज है या फिर स्टैक एम टी आपका तो इंसर्ट हो जाएगा तो वी कैन से इफ स्टैक डॉट इज एम पी ठीक है अगर ये एम टी है या फिर एस डॉट कैर एट स्टैक डॉट पीक ठीक है मैंने टॉप वाली इंडेक्स निकाली और पता किया उस इंडेक्स पे जो भी कैरेक्टर था अगर वो इक्वल इक्वल है क्लोजिंग ब्रैकेट के तो इन दोनों ही केस में वी नीड टू इंसर्ट स्टैक डॉट Push, I. Else, if, अब यहां पे आप ये वाली कंडीशन फिर से डाल दो copy, paste, अगर stack empty नहीं है and, s. Stack equals, equals है ब्रैकेट की ठीक है ओपनिंग ब्रैकेट की तो ये दोनों ही केस अगर वैलिड है तो नीड टू पॉप तो वी कैन से स्टैक डॉट पॉप ओके फिर इसके बाद ये लूप एंड कर देते हैं, तो हमने क्या किया

कट पेस्ट सेमी कोलन लेस एन अब हियर वी कैन से आई इज इक्वल टू एन माइनस वन आई इज ग्रेटर टू जीरो नाउ आई ऑफ स्टैक स्टैक टी नहीं है एंड स्टैक डॉट पी ये जो भी इंडेक्स है इफ इट इक्वल्स इक्वल्स आई करेंट इंडेक्स तो इस केस में मुझे क्या करना है स्टैग से सबसे पहले तो पॉप करा दो स्टैग डॉट पॉप आपका जो भी कैरेक्टर था उसे हमने पॉप करा दिया और इसे ऑब्वियसली हमें अपने आंसर में इंक्लूड नहीं करना है तो वील से कंटिन्यू ठीक है आफ्टर दिस वी कैन से एस बी डॉट इंसर्ट जीरोक्स पे हम इंसर्ट करेंगे ये पर्टिकुलर कैरेक्टर कैर एट इंडेक्स आई ठीक है अब इसमें वैलिड पैरेंथेसिस भी आ जाएंगे और आपके लेटर्स भी आ जाएंगे नाउ वी कैन से रिटर्न एस बी डॉट टू स्ट्रिंग ठीक है ना होपफुली दिस शुड वर्क चलो इसे रन कराते हैं बढ़िया अब इसे सबमिट कर लेते हैं सो so, ये भी चल जाना चाहिए एंड चल गया क्या बात है बट काफ़ी स्लो नहीं हो गया सोल्यूशन पाँच सौ सोलह एमएसर आप चलो अब इसे ऑप्टिमाइज करते हैं ठीक है कुछ ऑब्जर्वेशन तो मैंने देखी आई डोंट नो आपने नोटिस किया या नहीं बट ड्यूरिंग आर सोल्यूशन हम जब भी आइट्रेट करते हैं ठीक है और हम जो भी क्लोजिंग को इंसर्ट करते हैं मुझे पता है ये इनवैलिड है ओके okay? बट जब भी मैं अपने स्टैक में एक ओपनिंग को इंसर्ट करता हूँ कोई गारंटी नहीं है कि ये इनवैलिड है कि नहीं क्योंकि आई एम मूविंग इन दिस डायरेक्शन हो सकता है आगे कोई क्लोजिंग मिल जाए जैसे ये दोनों मिल गए तो ये दोनों सेटिस्फाई हो गए राइट तो जब तक मैं पूरा स्ट्रिंग ट्रैवर्स ना कर लूँ मुझे नहीं पता चलेगा मेरे पास कितने इनवैलिड ओपनिंग ओपनिंग ब्रैकेट्स हैं बट जैसे ही मैं closing को insert करता हूं, मुझे इनवैलिड है, है क्योंकि के के पहले open आना चाहिए उसे valid बनाने के लिए और अभी हम इधर ही से ट्रैवर्स करें तो ओपनिंग तो मिला नहीं स्टार्टिंग में दैट मीनस ये क्या है इनवैलिड ठीक है तो आई एम थिंकिंग मैं आईट्रेट करते समय ही अपना स्ट्रिंग बिल्डर क्रिएट करता हूँ विद इन वैलिड है तो मेरे थोड़े आइट्रेशन तो बचेंगे मैं इन वैलिड क्लोजिंग ब्रैकेट्स को तो एटलीस्ट हटा पाऊंगा ठीक है देखते हैं कैसे करेंगे अब आगे चलने से पहले एक छोटी सी चीज क्या मुझे स्टैक की एक्चुअल में जरूरत है इस चीज को पता करने के लिए मैंने आपको कई बार बताया कि ऐसे प्रॉब्लम्स को स्टैक से समझो और उसके बाद वेरिएबल से इस स्टैक को मेमिक कर लो ठीक है कहने का क्या मतलब है तो आई कैन से मैं यहाँ पे एक ओपन नाम का वेरिएबल बना लेता हूँ अब ये वर्क कैसे करेगा देखो सिंपल जब भी आपको एक क्लोजिंग ब्रैकेट मिले और आपके पास अभी एक भी ओपनिंग ब्रैकेट नहीं है तो ये ऑब्वियसली एक इनवैलिड है तो हम इसे इग्नोर मार देंगे अब आगे चलते रहो एक ओपन मिला प्लस वन फिर से दूसरा ओपन मिला था प्लस टू अब जैसे ही आपको एक और क्लोजिंग मिले चेक कर लो यार तुम्हारे पास तो एक्स्ट्रा ओपन है तो ये वाला क्लोज किसी ना किसी ओपन को सेटिस्फाई करा ही देगा तो वी कैन से ओपन माइनस माइनस सिमिलरली आगे चलोगे अब ये वाला क्लोज इस वाले ओपन को सेटिस्फाई करा देगा तो वी कैन से माइनस माइनस तो इस तरीके से वी कैन एक्चुअली बैलेंस आउट ठीक है अगर आपको इनवैलिड क्लोजेस के ट्रैक रखने तो वी कैन यूज टू वेरिएबल्स बट इस केस में हमें इनवैलिड क्लोज का ट्रैक ही नहीं रखना है यू you नो know कि हमें क्या निकालना है इनवैलिड ओपन ब्रैकेट्स तो मैं खाली ओपनिंग वाले का ही यूज़ करके पूरे का ट्रैक रख सकता हूँ कैसे करूंगा रुको तुम्हें दिखाता हूँ क्योंकि ये मैंने इग्नोर किया तो मैं एक्चुअली यहाँ पे स्ट्रिंग बिल्डर अपनी बनाते हुए चलूंगा ठीक है आई टेल यू हाउ एम गोइंग टू डू दिस आई विल यूज अरियेबल इनस्टेड मैं यहाँ पे अपना स्ट्रिंग बिल्डर यूज करूंगा और मैं खाली ओपन ब्रैकेट यूज करूंगा ओपन बताएगा मेरे पास एक्स्ट्रा ओपन कितने क्योंकि मैं सारे क्लोज को इजिल हैंडल कर सकता हूँ आपने देखा भी की वाइल मूविंग वी कैन हैंडल द क्लोज ठीक है तो कैसे होगा अब देखो आपकी पहली वैल्यू आई एक क्लोजिंग ब्रैकेट जब भी एक क्लोजिंग ब्रैकेट आए आप सिंपल चेक करो कि जो हमारा ओपनिंग ब्रैकेट है वो क्या है अगर वो जीरो से बड़ी वैल्यू है तो वो क्लोजिंग आपका सेटिस्फाई हो जाएगा इस समय आपके पास जीरो ओपनिंग ब्रैकेट है यानी एक इनवैलिड क्लोज था तो इसे हम इग्नोर करके आगे बढ़ जाएंगे ठीक है अब हम टी पे आ गए तो आई एम राइटिंग इट हीयर लेटर जैसे आ रहे हैं इंसर्ट कर दो एच लेटर है इंसर्ट हो गया नेक्स्ट एक ओपनिंग आया अब ओपनिंग आपको पता है पूरा ट्रैवल करने के बाद ही पता चलेगा वैलिड है या नहीं तो इसे इंसर्ट कर लेते हैं ठीक है इंसर्ट कर देते हैं ओपन प्लस वन देन ए मिला इंसर्ट देन एक और ओपन मिला अब मुझे नहीं पता वैलिड है या नहीं इंसर्ट कर देते हैं प्लस वन दिस इज नॉट सी दिस इज ओपनिंग ब्रैकेट ठीक है आगे चलते हैं एल मिला इंसर्ट एक क्लोजिंग ब्रैकेट मिला अभी देखो आपकी ओपनिंग ब्रैकेट दो से ज्यादा है यानी कि दिस कैन बी सेटिस्फाइड तो इसे माइनस वन करके एक क्लोजिंग ब्रैकेट लगा दो देन यहाँ पे एक ए मिला इंसर्टेड देन यहाँ पे एक और क्लोजिंग मिला क्या ओपनिंग वन से बड़ा है हाँ जी तो माइनस वन जीरो हो गया एंड इंसर्ट दिस आगे चलते हैं अब मुझे एफ मिला एफ को इंसर्ट कर दो अब एक और क्लोजिंग मिला आपका ओपन क्या है जीरो यानी दिस इज इन वैलिड क्लोज तो मैं कुछ नहीं करूंगा मैं इसे इंसर्ट भी नहीं करूंगा आई जस्ट इग्नोर दिस अब यहाँ पे ओ आ गया इंसर्टेड अब यहाँ पे आर आया इंसर्ट देन एक ओपनिंग आयाट ओपनिंग में वी कैन नॉट डू एनीथिंग प्लस ठीक है एक ए आया इंसर्टेड एक क्लोजिंग आया तो क्या आपका ओपन जीरो से बड़ा है हाँ माइनस वन तो क्लोजिंग को भी इंसर्ट कर दिया नेक्स्ट आर तो आर ई ए एस यहां तक हमने देख लिया ठीक है नेक्स्ट एक ओपनिंग आया वी डोंट नो प्लस इंसर्टेड देन लेटर आया इंसर्ट देन एक क्लोजिंग आया क्या ओपन जीरो से बड़ा है हाँ जी माइनस वन एंड यहाँ पे क्लोजिंग लगा दिया नेक्स्ट एक लेटर है इंसर्ट नेक्स्ट एक ओपन है अब वी डोंट नो इंसर्ट आ गया ठीक है अब मेरे पास पता है मुझे कि कितने इन वैलिड ओपनिंग पेयर्स हैं ठीक है इन वैलिड ओपनिंग पेयर्स हैं और इस स्ट्रिंग में से मैंने सारे ही इन वैलिड क्लोजिंग हटा दिए अब क्वेश्चन ये आता है कि भैया हमने इंडेक्स तो स्टोर नहीं करी हमें कैसे पता चलेगा ये कौन सा इनवैलिड बने मुझे पता है मुझे एक ओपनिंग ब्रैकेट इस स्ट्रिंग से हटाना है बट कौन सा वाला हटाऊं एक ये है एक ये है एक ये है एक ये है चार ओपन समय कौन सा वाला हटाया जाए ठीक है ओके सो हम हमेशा सबसे पीछे वाले को ही रिमूव करेंगे क्योंकि वो ही इनवैलिड होता है कैसे देखते हैं सबसे पहले तो बिल्कुल ही नॉर्मल केस कि आपके ओपन क्लोज ओपन क्लोज एंड जितने भी ओपनिंग्स है सारे एंड पे थे लेट्स तीन हमें हटाने थे तीनों एंड पे थे तो हम पीछे से गए और एक एक करके हटाते चले गए नाउ लेट्स से एग्जैक्टली अपोजिट केस मेरे पास दो ओपन है देन क्लोज ओपन क्लोज ओपन क्लोज ठीक है इस केस में हम किसे हटाएंगे तो लेट्स से वील स्टार्ट फ्रॉम दी एंड और मुझे ये पहला ओपनिंग मिला मैंने इसे हटा दिया अब आपको कहोगे भैया ये तो इनवैलिड हो गया बिल्कुल भी नहीं एज यू कैन सी एक पेयर ये बन गया एक पेयर ये बन गया और आगे वाले ओपनिंग ने क्लोजिंग के साथ पेयर बना लिया ठीक है तो ये चीज इस बात की गारंटी है कि अगर मैं पीछे से ओपनिंग हटाता हूं तो ऑब्वियसली मेरे पास एक ओपन इधर होगा जो इसके बाद वाले क्लोजिंग को बैलेंस कर देगा ना यू कैन आर्ग्यू भैया हम इसे स्टार्टिंग से भी तो हटा देंगे बिल्कुल हटा हटा सकते हो आप स्टार्टिंग वाले को हटा दो तो भी ये वाली स्ट्रिंग बैलेंस हो जाएगी बट वॉट अबाउट दिस एग्जाम्पल ठीक है अगर आप इसे हटाते हो तो ये इनवैलिड हो जाएगा अगर आप इसे हटाते हो तो ये इनवैलिड हो जाएगा मतलब कहने का क्या मतलब है कि हम पीछे से क्यों रिमूव कर रहे हैं क्योंकि अगर हमने पीछे से एक ओपनिंग को रिमूव करा तो मुझे पता है स्टार्ट का कोई ओपन को हैंडल कर लेगा बट अगर मैंने स्टार्टिंग से रिमूव कर दिया तो ये वाले close को कौन handle करेगा इधर? तो कुछ बचा ही नहीं आपने से से शुरू कर दिया। इसलिए हम करेंगे। कि जितने भी क्लोज पैरेंथेसिस हैं वो तो हमने बैलेंस कर दिया ऑलरेडी क्लोज वाले तो ऑलरेडी बैलेंस्ड है एक्स्ट्रा मेरे पास खाली ओपन है तो पीछे से रिमूव करते चलो तो आपको ये मिला आपने पहला रिमूव कर दिया काउंटर माइनस वन कोई भी आ, ओपनिंग ब्रैकेट हमारे पास एक्स्ट्रा नहीं है तो वी कैन से दिस इज आवर रिजल्ट स्ट्रिंग ठीक है अब ये आपने कितनी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में किया बिग ओ ऑफ एन टाइम आपने लिया ये वाली स्ट्रिंग करने के ये वाली स्ट्रिंग स्ट्रिंग क्रिएट क्रिएट करने करने के के लिए लिए ये प्लस आप वर्स्ट केस आई कैन से बिग ऑफ एन टाइम ले सकते हो आ, वापस आके इस इन ओपनिंग्स को हटाने में ठीक है तो ओ ऑफ एन प्लस एन और हमने यहाँ पे स्टैक यूज नहीं किया वी हैव मैनेज्ड इट विद अ सिंगल वेरिएबल तो वी कैन से दिस इज टाइम एंड स्पेस हमारा स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कॉन्स्टेंट हो गया ठीक है चलो अब इसे कोड करते हैं सो so, यहीं पे चेंजेस करते हैं मैं अपने स्ट्रिंग बिल्डर को ऊपर ले आता हूँ कट एंड पेस्ट अब मुझे स्टैक की जरूरत नहीं है अब यहाँ पे मैं एक वेरिएबल बना लेता हूँ इन ओपन इज इक्वल टू जीरो ठीक है आप इसे एक्स्ट्रा ओपन के नाम से भी बुला सकते हो एक्स्ट्रा ओपन ठीक है तो इनिशियली ये जीरो है अब जैसे ही मुझे पहला कैरेक्टर मिला मैं स्टैक में पुश नहीं करूंगा स्टैक तो है ही नहीं अब स्टैक की जगह पे स्ट्रिंग बिल्डर में अपेंड करेंगे स्ट्रिंग बिल्डर डॉट अपेंड, ये मैंने इस कैरेक्टर को अपेंड कर दिया एंड एक्स्ट्रा ओपन प्लस प्लस एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा ओपन प्लस प्लस ठीक है अब यहाँ पे ये दो कंडीशन है बट हमें क्या सिंपल हैंडल करना है जब आपके पास क्लोजिंग आए और एक्स्ट्रा ओपन ठीक है ग्रेटर देन जीरो है तो आप इसे बैलेंस कर सकते हो तो वी कैन से ये क्लोजिंग वैलिड है तो एस बी डॉट मैंने इस क्लोजिंग को इंसर्ट कर दिया और एक्स्ट्रा ओपन को कर दिया माइनस माइनस ठीक है ये एक्चुअली ये वाला केस है जहां पे हम वैलिड वाले, वाले क्लोजिंग को हटा देते थे, थे स्टैक से यहाँ हमने क्या किया कि भाई वैलिड क्लोजिंग है तो इसे डायरेक्टली इंसर्ट कर देते हैं अपेंड कर दिया ठीक है तो केस केस हैंडल्ड। दूसरा मेरे पास पास क्या है है? ये वाला। In other words, else if extra open equals equals हो गया जीरो के, ठीक अब हमारे ओपनिंग ब्रैकेट ही नहीं है तो हम क्या करेंगे इस इनवैलिड क्लोज वाले को इग्नोर कर देंगे कंटिन्यू ठीक है इनवैलिड को इंसर्ट ही नहीं करना ठीक है ये आपके ओपनिंग क्लोजिंग ब्रैकेट हो गए यहाँ पे आपको नॉर्मल लेटर मिलेगा तो लेटर केस में डायरेक्टली अपेंड कर दो एसपी डॉट अपेंड ठीक है सो अब इसे हटा देते हैं स्टैक डॉट पुश की मुझे जरूरत नहीं है एंड इसे हटा देते हैं ठीक है तो अभी तक हमने क्या किया अपने फाइंड uh, इंडेक्सेस नहीं अभी हमने क्या किया रिमूव ऑल इन वैलिड क्लोजिंग ब्रैकेट ठीक है अब विल रिमूव द एक्स्ट्रा ओपन तो इसे क्लोज करते हैं नाउ लेट्स रिमूव द एक्स्ट्रा ओपन रिमूव द एक्स्ट्रा ओपन ब्रैकेट्स तो इसे हटा देते हैं इसकी ज़रूरत नहीं है ओके सो तो सबसे पहले एन इज़ इक्वल टू स्ट्रिंग बिल्डर डॉट लेंथ याद रखना मुझे अब नई वाली स्ट्रिंग से रिमूव करना है स्ट्रिंग बिल्डर से रिमूव करना है ओरिजिनल स्ट्रिंग में अब कुछ नहीं करना ओके तो ये हम पीछे से आईट्रेट कर रहे हैं अब इस सब चीज़ की मुझे ज़रूरत ही नहीं है ओके लेट्स रिमूव दिस सबसे पहले आई विल से इफ़ जितने भी एक्स्ट्रा ओपन हैं एक्स्ट्रा ओपन अगर ये मेरे ज़ीरो हो जाते हैं तो यहीं से ब्रेक कर जाओ ठीक है ब्रेक फ्राम हियर देन नेक्स्ट काम कैरेक्टर चेक करो कैरेक्टर ch एच इज इक्वल टू स्ट्रिंग बिल्डर डॉट कैर एट कौन सी इंडेक्स आई ए थे ये कैरेक्टर निकाला हमने अगर ये कैरेक्टर एफ सी एच इक्वल सिक्वल्स है एक ओपनिंग ब्रैकेट के ओपनिंग ब्रैकेट के तो वी विल रिमूव दिस स्ट्रिंग बिल्डर डॉट डिलीट कैर एट इंडेक्स नंबर आई एंड डिलीट करते ही एक्स्ट्रा ओपन एक्स्ट्रा ओपन माइनस माइनस ठीक है सो आई थिंक दिस शुड वर्क क्योंकि हम पीछे से कर रहे हैं ये जरूर कर लेना uh, मैं सुबह जब कोड बना रहा था तो मैंने यहाँ पे एस डॉट लेंथ गलती से लिख दिया और आई थिंक पंद्रह बीस मिनट तो डिबक कराई होगा इसे ओके okay. एंड ये देखो एस बी e. क्या होता है स्ट्रिंग बिल्डर ओके सो आई थिंक दिस इज़ डन नाउ चलो इसे रन कराते हैं So let's try to run this. Hopefully this will work and add it did now. Let's try to submit it 93% faster for fast will get 7% to 93% make it a difference again, right? तो या दिस इज़ दी इंटायर क्वेश्चन आई होप तुम्हें आज का एक्सप्लेनेशन पसंद आया होगा आज का आज का कोड मज़ेदार लगा होगा और ब्रैकेट से रिलेटेड और भी बहुत सारी वीडियोस मैंने आपको स्टैक वाली सीरीज़ में पढ़ाई हुई हैं वहां जाके आप चेकआउट कर लेना कुछ पांच छह स्टैंडर्ड प्रॉब्लम्स हैं वो ज़रूर कर लेना इंटरव्यूज़ के लिए मस्ट होती हैं सो so या देट सेट ये था आज की वीडियो में मैं मिलता हूँ तुमसे कल तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर